इंडिया में लग्जरी गाड़ियों का क्रेज अब बढ़ना शुरू हुआ है, जिसके कारण सारे ब्रांड्स अपने एंट्री लेवल और हाई परफॉर्मेंस मॉडल्स को भी इंडिया में लॉन्च करना शुरू कर चुके हैं, जिसके कारण इंटरनेशनली टेस्ट किए जाने वाले मॉडल्स का इंडिया में लॉन्च होने का ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है। और इसीलिए मैं उन सब गाड़ियों के बारे में आपको बताऊंगा जो कि इंडिया में आने वाले टाइम में लॉन्च होंगी। और आज इस वीडियो में मैं आपको 2023 मर्सिडीज एएमजी जीएलसी 43 के बारे में बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप मर्सिडीज एएमजी और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपेरिजन रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर राइट बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर 2023 मर्सिडीज एएमजी जीएलसी 43 एसयूवी की स्पाइड इमेजेस की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप 2023 एएमजी जीएलसी 43 एसयूवी के फ्रंट एंड को देख सकते हो, जहां ये टेस्टिंग एसयूवी फुली कैमोफ्लाज थी, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ इस टेस्टिंग मॉडल में विजिबल है, जैसे कि इसकी हेडलैम्प्स, ग्रिल और ORVMs की डिज़ाइन और शेप। इस टेस्टिंग वेरिएंट में फुल LED बीम हेडलैम्प्स फिटेड थी, जो कि एक स्टैंडर्ड फिटमेंट है इन SUVs में। तो अगर इसकी हेडलैम्प्स को ध्यान से देखा जाए तो इसमें प्रोजेक्टर सेटअप यूज़ किया हुआ है और इसकी DRLs मेन हेडलैम्प्स में इंटीग्रेटेड हैं, जो कि डुअल फंक्शन होने वाली हैं। बाकी इसकी ग्रिल काफ़ी बड़ी है, जो कि स्क्वायर पैटर्न डिज़ाइन में दी हुई थी, और लोअर ADAMs मेश पैटर्न में। चलिए अब दूसरी स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप इस SUV की साइड प्रोफाइल को देख सकते हो, जहां इसके अलॉय व्हील्स और ORVMs के डिज़ाइन के बारे में पता चलता है। इस SUV के ORVMs इसके डोर्स पर लगे हुए थे और ना कि इसकी बॉडी पर, जो कि इसकी एरोडायनामिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। बाकी इसके अलॉय व्हील्स काफ़ी स्पोर्टी और लग्जूरियस डिज़ाइन के थे और शायद से साइज में 23 इंचेस के थे, जो कि इंडिया स्पेक AMG GLC SUV में नहीं आएंगे। इंडिया में प्रॉबेबली 19 या फिर 20 इंचेस तक साइज के अलॉयस ही प्रोवाइड करवाए जाएंगे। चलिए अब तीसरी स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप इस SUV के रियर एंड को देख सकते हैं, जहां इसकी टेललाइट्स की वर्किंग दिख रही है। नई GLC 43 SUV में हमें फुल LED टेललाइट्स विद डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं, जो कि इस बार काफ़ी स्लीक डिज़ाइन में ऑफर किए जाएंगी, ताकि इस SUV के रियर एंड को कम बल्कि शो किया जा सके। बाकी इस SUV में बम्पर के दोनों एंड्स पर दो एग्जॉस्ट पाइप आउटलेट्स दिए हुए थे, जो कि AMG स्पेक मर्सिडीज गाड़ियों में देखने को मिलता है। तो ये तो होगी 2023 मर्सिडीज AMG GLC 43 SUV की स्पाइड इमेजेस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। नई AMG GLC 43 SUV में हमें 3 लीटर V6 ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 390 PS की पीक पावर और 520 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसके साथ AMG स्पीड शिफ्ट TCT 9 स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स स्टैंडर्ड मिलेगा, जो कि मर्सिडीज के 4MATIC 4-व्हील ड्राइव सिस्टम के थ्रू ये पावर चारों टायर्स तक पहुंचाएगा। इस इंजन के अलावा भी हमें इस SUV में एक और इंजन मिल सकता है, जो कि होगा 2 लीटर एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, जो कि दोनों मिलकर कंबाइन 315 PS की पीक पावर और मैसेज 700 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। इस इंजन के साथ भी हमें सेम गेयरबॉक्स और 4-व्हील ड्राइव सिस्टम मिल सकता है। तो ये तो होगी 2023 AMG GLC 43 SUV के एक्सपेक्टेड इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशन की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करते हैं। नई AMG SUV में हमें मल्टी बीम LED हेडलैम्प्स विद इंटीग्रेटेड डुअल फंक्शन LED DRLs, फुल LED टेल लाइट्स विद डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स, शार्क फिन एंटीना, 20 इंच AMG स्पेक अलॉय व्हील्स, पैनोरामिक सनरूफ, कीलेस एंट्री, AMG एक्सटीरियर किट, AMG नाइट पैकेज, ऑटो फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs विद ऑटो डिमिंग फंक्शन, कीलेस एंट्री, मर्सिडीज MBUX 10.25 इंच टास्क्रीन सिस्टम, फुली डिजिटल AMG स्पेक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, AMG स्पेक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील एंड इंटीरियर्स, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, डोर पैड्स एंड बॉटल होल्डर्स, 3-zone ऑटोमेटिक AC, कनेक्टेड कार टेक, रिमोट कमांड्स, लेदर सीट्स, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील विद माउंटेड ऑडियो, MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स, बर्मेस्टर सराउंड सिस्टम विद 13 स्पीकर्स,
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स विद मेमोरी फंक्शन एंड लंबार सपोर्ट, वेंटिलेटेड एंड हीटेड फ्रंट सीट्स, 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग, साउंड मूड लाइट्स, एलईडी इंटीरियर लाइट्स, एलईडी रीडिंग लैंप्स, रियर क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक आईआर वीएम, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो पार्क असिस्ट, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, वायरलेस फोन चार्जिंग, पावर टेलगेट, 40:20:40 स्प्लिट रियर सीट्स, रियर रिक्लाइनिंग सीट्स, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज एंड कूलिंग वेंट, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, फास्ट यूएसबी चार्जर्स, रियर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर वाले फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी में एसयूवी में हमें 7 एयरबैग्स, ABS, EBD, AMG स्पेक ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, EMG राइड कंट्रोल प्लस, ऑटो हाई बीम असिस्ट हेडलैम्प्स, अडैप्टिव फ्रंट एंड रियर लाइट्स, 360 डिग्री पार्किंग कैमराज विद डायनामिक असिस्ट, 12 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ADAS इंक्लूडिंग ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर सिस्टम, ड्राइवर ड्राउजीनेस सिस्टम, लेन वॉच कैमरा, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, रडार बेस्ड सेफ्टी टेक, GPS बेस्ड स्पीड एंड रूट कंट्रोल सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो ये तो होगी 2023 मर्सिडीज AMG GSC 43 SUV के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइजेस और एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च की बात करते हैं। मर्सिडीज इस SUV को 86 लाख के स्टार्टिंग प्राइस पर लॉन्च कर सकती है और इसका एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च 2023 में है, और लॉन्च होने के बाद ये SUV BMW की M परफॉर्मेंस और Audi की RS सीरीज जैसी SUVs के साथ कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग 2023 मर्सिडीज AMG GLC 43 SUV से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।